15 जून 2020 को भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गई थीं, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई। भारत ने कर्नल समेत 20 सैनिकों को खो दिया। चीन ने अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा छुपाते हुए सिर्फ 4 सैनिकों के हताहत होने की बात कही थी, लेकिन अनुमान लगाया कि झड़प में उसके 40 कर्मियों की मौत हो गई, जिसके बाद से दोनों देशों के सैनिक सीमाओं पर तैनात किए गए। अब इस घटना को लेकर चीन की तरफ से बड़ा और सकारात्मक बयान आया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर गलवान घाटी समेत 4 इलाकों से दोनों देशों की सेनाएं हटी हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि बॉर्डर पर हालात स्थिर और कंट्रोल में है। चीन की तरफ से आने वाले इस बयान का समय काफी अहम है। चीनी विदेश मंत्रालय का ये बयान NSA अजीत डोभाल की चीनी विदेश मंत्री वांग यी से रूस में मुलाकात के बाद आया है। इससे पहले गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के 75% मामले सुलझा लिए गए हैं। हालांकि NI ने एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया कि पूर्वी लद्दाख में डेपसांग और डैमचोक का मसला अभी भी अनसुलझा है। पिछले 3 साल में दोनों पक्षों के बीच इन पॉइंट्स को लेकर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। NSA अजीत डोभाल ने गुरुवार 12 सितंबर को रूस में ब्रिक्स देशों के NSA की मीटिंग के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। इस दौरान अजीत डोभाल ने दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया था। उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC का सम्मान करने के लिए भी कहा। इस बैठक में दोनों देशों ने जल्द से जल्द बाकी इलाकों से भी सेना की वापसी में तेजी लाने पर सहमति जताई। NSA डोभाल ने जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों को द्विपक्षीय समझौते, प्रोटोकॉल और आपसी सहमतियों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। हालांकि यहां पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का वो बयान याद करना चाहिए जब बीते दिनों जिनेवा के एक फोरम में उन्होंने कहा कि 2020 में चीन और भारत के बीच गलवान में हुई झड़प ने दोनों देशों के रिश्तों को बुरी तरह प्रभावित किया है। सीमा पर हिंसा होने के बाद ये नहीं हो सकता कि इससे दोनों देशों पर असर नहीं पड़ेगा। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं का एक दूसरे के आमने सामने होना एक बड़ा मुद्दा है। अगर सीमा विवाद का समाधान हो जाता है तो भारत चीन संबंधों में सुधार संभव है। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि चीन के साथ भारत के 75% मामले सुलझ गए हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।